दूल्हा 17 का और दुल्हन 13 के। झारखंड के लोहरदगा में एक ऐसी ही शादी हुई है जहां गाजे बाजे और बारात वाले शादी में तो नहीं थे, मगर इस शादी में लड़का लड़की के परिवार वालों के साथ गांव वाले जरूर थे। दावत भी सबने उड़ाई, मगर ये शादी कानून को हजम नहीं हुई। शादी कराने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। खबर है कि नाबालिगों की शादी के लिए पंचायत ने मजबूर किया। इस शादी के पीछे की कहानी भी अजीब है, जो प्रगतिशील समाज के जड़ में जमाए दखियानूसी सोच को उजागर करती है। इंटर में पढ़ रहे लड़के और 8वीं क्लास में पढ़ रही लड़की का मिलना जुलना, बातें करना न परिवार को पसंद था न ग्रामीणों को। मना करने पर जब दोनों नहीं माने तो ग्रामीणों ने पंचायत बैठाई और दोनों की वहीं पर शादी कराने का फैसला कर डाला। आनन फानन में शादी भी करा दी। 17 साल के दूल्हे ने बताया कि परिवार वालों और ग्रामीणों ने दबाव में शादी करवाई। आजकल तो जानते हैं आम बात है कि लड़का की बात करना, इसको टॉर्चर मिल रहा था कि ये करेंगे वो कर देंगे मार देंगे ये कर देंगे, तो डर के मारे लड़के आए रोने लगे मेरे पास। हमको देखे घर में ऐसे बोल रहा है, इसका हम थोड़ा क्या बोलेंगे, तो इसका हम बोले कि चलो ठीक है। इसका थोड़ा बाहर थी लड़के, हमको परेशान करा था, लड़की को हम खोज के लाएँ कि ऐसा वैसा नहीं करना है तुमको। उसके बाद ले जाएँ तो बुलाएँ, इसके बाद में घर आएँ तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे मम्मी नहीं अब शादी करने ही कर दें बोलते, फिर जबरदस्ती हुआ उसका शादी। अब लड़की अपने नाबालिग पति के घर में है। हालांकि शादी को कानूनी दर्जा नहीं मिल सकता, इस बात को परिवार वाले भी भली भांति जानते हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं, मगर इनके हिसाब से ये शादी है कि हुआ सो हुआ। सवाल तो ये उठता है कि वो कैसी पंचायत रही होगी, कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले दो मासूमों को शादी के बंधन में बांध दिया। लड़के की माँ कहती है कि पंचायत का फरमान हुआ तो परिवार को मानना पड़ा। माँ बोला ना लड़की के माँ कि देखो बेटा तुम हमारा लड़की से बात करता है, अगर तुम लोग को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए और बढ़िया से पढ़ना चाहिए, तो बोला हाँ हम लोग तो पढ़ाई आखिर कर ही रहे हैं, तो शायद उसका लड़कियों के एकाध दो बार गाली दिया होगा या किसी तरह का। तो लड़की बोला कि देखिए हमको तो गाली उली मिल रहा है, तो ऐसा कीजिए हम तो ये घर में नहीं रहेंगे। तो ये बोला कि हम कहाँ लेके जाए, अभी तो हम इंटर फाइनल किए हैं, हमको आगे जाके हमको बीए भी तो करना है, नौकरी भी तो करना है। तो वैसे वैसे में मतलब गाँव में मतलब कुछ झंझट जैसे होने लगा कि नहीं तो ऐसा करो, तुम हमारा लड़की को पसंद करता है और चाहता है, तुमको शादी करना होगा, कोर्ट में करो। तो ये बोला कि कोर्ट में हम लोग को कौन देगा शादी, कोर्ट में तो नहीं देगा। तो फिर उसी जगह बोला उसका माँ ही बोला उसका पापा कि कोर्ट में तो नहीं मिलेगा, तो ऐसा करो हम लोग पूरा आम जनता एक गठन करके और अपना ही लोग को शादी निभा देते हैं, शादी करने के बाद ही लोग बंधन में बंध जाएगा, लड़का अपना पढ़ाई करेगा लड़की अपना पढ़ाई करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कोई किसी से मार पीट लड़ाई झगड़ा, ना माँ बाप को किसी को टेंशन नहीं होगा। बच्चों की शादी में परिवार खुश, ग्रामीण भी खुश, मगर कानून की नजर में ये गलत है और वो अब आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। बाल कल्याण समिति और बाल अधिकार संरक्षण विभाग ने दोनों परिवार वालों को नोटिस भेजा है। संज्ञान में जैसे ही बाल कल्याण समिति के संज्ञान में ये मामला आया, हम लोगों ने तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी जो बाल विवाह निषेध पदाधिकारी होते हैं उनको हम लोगों ने निर्देश दे दिया है कि आप जो है इस मामले को पूरी जानकारी लेते हुए अगर ये मामला सच साबित होता है तो आप प्राथमिकी दर्ज कराएं। और उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने शादी की है? और इसमें अभी हम लोगों ने चाइल्डलाइन जो हमारा एक विंग है उसके माध्यम से अभी हम उन दोनों बच्चों को अपने पास में ला रहे हैं और उनको जो भी उनकी आवश्यकता अनुसार संरक्षण एवं पुनर्वास का जो भी मामले आएंगे वो हम बाल कल्याण समिति के माध्यम से उनको देंगे। लोहरदगा पंचायत के फरमान ने कानून की धज्जा उड़ाई है और उनका ये तुगलकी फरमान बताता है कि कैसे अब भी लोग कानून के आगे अपने दखियानूसी सोच को तवज्जो देते हैं। लोहरदगा से सतीश शहदेव, बिहार तक।